वुड स्टफ ड्रम्स। एक समय की बात है जब एक जंगल में एक बड़ा सा चोरों का गुंप हुआ करता था। पुलिस वाले बहुत प्रयत्न करने पर भी उन चोरों को पकड़ नहीं सके। एक दिन उनके गुफा में ये सारे चोर मिले। चोरों में से एक मुन्ना नाम का चोर उनके नायक गंगू से, बस हमने जैसे सोचा इस गुफा में हमारा छिपाया हमारी पूरी संपत्ति को निकालने का पूरा इंतजाम किया है बॉस। नहीं, प्लान चेंज, अब हम पर बहुत निगरानी रखी जा रही है। हमारी पूरी संपत्ति यही रहना सेफ है और हमें भी कुछ दिन तक बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात बताने के लिए ही मैं तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। 3 महीने जब तक हमारे बारे में सब भूल नहीं जाते, हमें इस गुफा में ही रहना होगा। बस 3 महीने इस जंगल से बिना निकले कैसे रहेंगे बॉस? हमारा खाना पीना कैसे होगा? पेड़ पौधों पर निर्भर होके कब तक जिएंगे? है बस, मुझे रोज बिना चिकन बिरयानी खाए पेट भी नहीं भरता, नींद भी नहीं आती। वो सब मैंने पहले ही सोच लिया है। मुन्ना, तुम और जग्गू जाकर जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो। कहते हुए उनसे कुछ कहा, वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद मुन्ना एक व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ पीछे बांधकर लेकर आया। जग्गू खाना बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सब लेकर आया। आंखों पर पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति, छोड़िए मुझे, छोड़िए, रसोईया विक्रम यानी क्या समझते हो, मुझे छोड़ो। इसे कहां से उठाकर लेकर आए हो? बॉस, ये गांव के किनारे जो ढाबा है ना, वहां का रसोईया है बॉस। उस ढाबे के सामने बहुत भीड़ था इसलिए उठाकर लेकर आ गया। ये रसोईया विक्रम को क्या समझते हो? मैं बिरयानी बनाऊं तो वो महक से आसमान में हवाई जहाज में जाने वाले लोग भी नीचे आकर मेरे बिरयानी का स्वाद चक्कर ही जाएंगे। गंगू विक्रम के आंखों से पट्टी निकाला। देखो, 3 महीने तक तुम्हें यही रखकर हमारे लिए खाना बनाना होगा। भागने की कोशिश वगैरह की तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे लिए खाना बनाने की सारी चीजें लाई गई हैं। जल्दी खाना बनाओ, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। विक्रम ये सब देखकर, अच्छा तुम लोग क्या अकल के अंधे हो क्या? खाना बनाने के लिए जो जो चाहिए वो सब लेकर आए हो, लेकिन बनाने के लिए चूल्हा कहाँ है? गंगू गुस्से से, क्यों रे जग्गू? बॉस, वो बॉस, खाना बनाने के लिए चूल्हा की क्या जरूरत है? 3 पत्थर लगाकर लकड़ी जलाए तो वही चूल्हा हो जाएगा ना। बाप रे, वो सब नहीं चलेगा, मुझे घुटनों का दर्द है, डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठने से मना किया है, मुझे खड़े होकर ही खाना बनाना होगा। हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तुम क्या करोगे हमें नहीं पता, 1 घंटे में खाना बनना चाहिए। वो देखो, वो 3 लोहे के ड्रम यहाँ लेकर आओ, मैं अपना जो मुसीबत है वो संभाल लूंगा। दो चोर उस लोहे के ड्रम में डाले हुए सोना पैसे सब नीचे डालकर ड्रम लाकर विक्रम के सामने रखे। विक्रम उन ड्रम को स्टफ के रूप में तैयार करके उन ड्रम में लकड़ियां लगाकर खाना बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। जो वे चोर बहुत भूख में थे, विक्रम का बनाया सब कुछ खा गए। ये रसोईया विक्रम की महानता अब जान गए हो क्या? उस दिन से विक्रम उसके बनाए गए ड्रम स्टोव पर लकड़ी लगाकर खाना बनाना शुरू किया। चोर आराम से खाने लगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन विक्रम जब खाना बना रहा था तो उसके पास कहीं से हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज सुनाई दी। बस विक्रम तुरंत ड्रम स्टोव पर जो लकड़ी जलाया था उस पर पानी डालकर उसमें डाल दिया। बस उस स्टोव से बहुत सारा धुआं आना शुरू हुआ। ए विक्रम, क्या है ये धुआं क्या है? मुझे क्या पता, तुम लोगों को दिमाग नहीं है, खाना बनाने के लिए ऐसे भीगे हुए लकड़ियां लाओगे तो ऐसा ही होगा। कुछ देर बाद विक्रम जहाँ खाना बना रहा था वहाँ एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। उसमें से कई सारे पुलिस वाले आकर चोर को अरेस्ट किए। जिस दिन मैं आया तब ही कहा था ना कि मैं जब बिरयानी बनाऊंगा तो फ्लाइट में जाने वाले लोग भी नीचे आकर स्वाद चखेंगे। विक्रम पुलिस ऑफिसर से जो हुआ वो सब बताकर, सर आपको सिग्नल देने के लिए धुआं मैंने ही लगाया है सर, कहकर अपने ड्रम स्टोव को दिखाया।
वेरी गुड मिस्टर विक्रम, तुम्हारी होशियारी की वजह से हम इतने सालों से जिन चोर की तलाश में थे वो और उसकी लूटी हुई संपत्ति के साथ पकड़वाए। सारे चोरों को पकड़वाने के लिए सरकार विक्रम को 50 लाख का इनाम भी दिए। जैक फ्रूट डोसा। बांद्रा नाम के गांव में मुकेश नाम के आदमी को धीरू और सुरेश नाम के दो बेटे थे। मुकेश ने शुरुआत में डोसा का व्यापार किया और उसके बाद बहुत सारे व्यापार करके ढेर सारे पैसे कमाया। फिर एक दिन मुकेश ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। अरे ओए, तुम दोनों को संपत्ति बांटने के लिए सोच रहा हूँ, मगर तुम दोनों के बारे में इंक्वायरी किया तो आप दोनों सीधे नहीं है कहकर पता चला, क्या करूँ बताओ? क्या करोगे? अगर हम सीधे नहीं है तो क्या उसमें कुछ गलत है क्या? देखिए पिताजी, ये सब फालतू की बातें नहीं बताओ, हम दोनों आपके ही बेटे हैं ना, इसलिए संपत्ति को आधा आधा बांटिए। देखो बेटा, दोनों मेरे ही बेटे हो, मगर वारिस को सिर्फ संपत्ति बांटना ही नहीं, बाप का नाम भी ऊंचा करना है, इसलिए तुम दोनों में कौन काबिल होगा उसी को मैं संपत्ति में 90% दूंगा, मगर उसके लिए आप दोनों को 2 महीने के लिए डोसा का व्यापार करना होगा, उसमें कौन ज्यादा फायदा लाएगा आप ही पता कीजिए। वो सुनकर सुरेश मन में, बुढ़ी पप्पा, डोसा का व्यापार? मुझे तो सुबह सुबह उठना ही बहुत मुश्किल होता है, अगर शाम में है तो फुल शराब पीने वाले आएंगे, उनको जो भी घास खिलाओ खाते हैं, उसके ऊपर जितना पैसा मांगो उतना देते हैं। सोचकर अपने पिताजी से, पिताजी मैं शाम को लगाऊंगा, अगर उसको चाहिए तो सुबह लगाने के लिए कहिए। उस बात को धीरू ने भी मान लिया, उसकी वजह से मुकेश ने भी हाँ कहा। फिर अगले दिन से धीरू सुबह सुबह अच्छा क्वालिटी के साथ तरह तरह के डोसा बनाकर बेचने लगा। लोगों को भी धीरू का दिया हुआ क्वालिटी पसंद आकर उधर आकर खाने लगे। और शाम को तो सुरेश उसने जैसे सोचा था वैसे ही बिना क्वालिटी के चीप में खाना बेचकर धीरू से भी ज्यादा फायदा बनाने लगा। ऐसे ही थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन धीरू के शॉप के आगे एक बूढ़ा आदमी ने कटहल का फल का रेडी रखा हुआ था, जिसका कुछ भी बिक्री नहीं हो रहा था। धीरू उसके पास गया। क्या हुआ चाचा जी, आजकल आपको बहुत घेर कर रहा हूँ, कटहल को सही से बेच नहीं रहे हो। क्या बताऊँ बेटा, यह बहुत बड़ा फल है और कोई भी पूरा फल नहीं खरीदते है, वैसा सोचकर अगर इसको काट कर बेचा तो कितना बिक्री होंगे पता नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है चाचा जी, आज आप मुझे एक कतल दीजिए, मैं जैक फ्रूट डोसा बनाता हूँ, अगर लोगों ने पसंद से खाया तो आप मुझे बेचना, तब मुझे और आपको दोनों को फायदा ही फायदा होगा। उसके बाद चाचा जी ने खुशी खुशी से धीरू को एक कतल का फल दिया। धीरू उस जैक फ्रूट को ले जाकर उसके फल को निकाल कर जैक फ्रूट डोसा डालना शुरू किया। लोगों को भी वो डोसा वैरायटी होने के वजह से बहुत पसंद आकर खूब खाने लगे। वैसे ही धीरू ने हर रोज उस चाचा जी से 10 कतल का फल खरीदने लगा। चाचा जी धीरू को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। एक शाम को सुरेश के पास आने वाले लोग भी उनको जैक फ्रूट डोसा चाहिए कहकर पूछे। तब सुरेश ने कंजूसी से जैक फ्रूट के बदले जैक फ्रूट का चमड़ी कचरा से डोसा बनाना शुरू किया। वो देखकर लोगों ने उसे पकड़कर खूब पीटे। फिर ऐसे ही 2 महीने के बाद मुकेश ने धीरू और सुरेश को बुलाया। अरे पहले तुम लोगों को एक बात बताना है, किसके पास ज्यादा पैसा है या कौन लोगों को धोखा देकर कमा रहे हैं, ये बात नहीं है। आप दोनों को पता है आपके शॉप के बाहर कतल का बंडी वाला को मैंने ही रखवाया था, क्योंकि आप जब आराम से कमा रहे हो तो आपके सामने व्यापार ना कर पाकर एक व्यक्ति दुखी होता है तो आप क्या फील करते हैं ये जानने के लिए। उसमें आप दोनों में धीरू ने अच्छे से पहचाना, उसका मुश्किल को कम करने के लिए उनका क्रिएटिविटी का उपयोग करके दोनों को फायदा मिलने के लिए सोचा, यही है असली व्यापार का लक्ष्य। ऐसे लोगों को जितना भी मुश्किल आने से भी आसानी से हल से बाहर निकल जाते हैं। मगर सुरेश, तुम येड़े कहीं के कंजूस कहीं के, क्योंकि तुम पैसे देने वाले लोगों के सेहत के बारे में भी कोई श्रद्धा नहीं है, वो अच्छे रहेंगे तो ही हम अच्छे रहेंगे, ये लॉजिक भी भूलकर बहुत गलत काम किया है तुमने। इसलिए मैंने जैसा कहा था वैसे संपत्ति में 90% धीरू को ही दे रहा हूँ और तुमको 10% ही दे रहा हूँ, वैसे ही मेरे मरने के बाद तुमको जो भी आने वाला 40% धीरू उसको बढ़ाकर तुम्हारे वारिस को देगा। ये सुनकर सुरेश वहां से गुस्से से चला गया और धीरू ने अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद कहा।